मॉर्निंग, आज हम स्टडी करेंगे ग्रैंड। ओके, हमने देखा है, जैसे हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा, हमने पहले मेटल की कास्टिंग की, फिर उसके बाद हमने इसकी फॉर्मिंग की, और अगर हम इस सेमेस्टर की बात करें तो हमने पढ़ा पहले कटिंग, मेटल कटिंग पढ़ी, उसके बाद हमने पढ़ा मेटल कटिंग के बारे में। मेटल कटिंग भी पढ़ी लेकिन इससे मिलिंग कटर से मास प्रोडक्शन के लिए कटिंग पढ़ी, मास प्रोडक्शन के लिए हमने पढ़ी कटिंग। अब एक चीज आप देख लो, कास्टिंग, कास्टिंग को हमने ज्यादा प्रेफर क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड सरफेस फिनिश नहीं मिल रही थी। तो इसके बाद हम गए फॉर्मिंग में, फॉर्मिंग में हम कुछ हद तक अच्छी या बेटर सरफेस फिनिश अचीव कर रहे थे। फिर हमने मेटल कटिंग किया, क्यों करना पड़ी हमें मेटल कटिंग, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स शेप्स थे उनकी कास्टिंग पॉसिबल नहीं थी, इस वजह से हमने मेटल कटिंग ऑपरेशन किया। मेटल कटिंग में फिर अगर हम सिंगल पॉइंट से ही करते रहते तो हमारे पास मास प्रोडक्शन नहीं हो पाता, हमारा मास प्रोडक्शन रेट था वो स्लो था, इसके लिए हम मास प्रोडक्शन रेट को बढ़ाने के लिए मिलिंग के पास गए, मिलिंग मशीन हो गई हमारी, यहाँ जहाँ हमने मास प्रोडक्शन कर दिया। अब मास प्रोडक्शन हो गया, मेटल कटिंग हो गई, लेकिन हमने क्या किया, किसी मेटल को हमने कट किया, सपोज अगर हम फॉर्मिंग कर रहे हैं तो फॉर्मिंग हमने किया, उसके बाद अगर हमने किसी मटेरियल को कट किया तो उसकी सरफेस जो है रफ हो जाती है। सपोज कि अगर हमने दो मटेरियल्स को कट किया तो इसकी सरफेस क्या हो जाती है, रफ हो जाती है। बट वी नीड दिस सरफेस, और हमें क्या है, इस साइड मिल रही है रफ सरफेस। तो इस रफ सरफेस को हमें क्या करना पड़ेगा, फिनिश करना पड़ेगा, और जो फिनिशिंग प्रोसेस हम यूज करेंगे उसे हम कहेंगे ग्राइंडिंग। ठीक, अगर आपको ग्राइंडिंग और थोड़े सही से समझना है, थोड़ा सा और जानना है इजी वे में, तो आप देख सकते हो रेग मार्क के बारे में आपने सुना होगा, रेग मार्क, रेग मार्क से हम क्या करते हैं, किसी सरफेस पे कोई सरफेस हमारा होता है रफ, तो हम उस पर रब करते हैं तो क्या होता है, वो सरफेस साफ हो जाता है, मतलब वो सरफेस फिनिश हो जाता है, सरफेस उसकी फिनिश हो जाती है। ठीक है, चलो अब ग्राइंडिंग के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं, इंट्रोडक्शन है ग्राइंडिंग का। ग्राइंडिंग में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास होती है एक ग्राइंडिंग व्हील, आप लोगों ने देख भी रखा होगा, हम गए थे आईटीआई वगैरह तो वहां पे हमने देख रखा था, ग्राइंडिंग व्हील होती है, उसके ऊपर क्या कनेक्टेड होते हैं, उसके ऊपर एब्रेसिव पार्टिकल्स लगे होते हैं, एब्रेसिव पार्टिकल्स ब्रिटल होते हैं और इनकी हार्डनेस काफी अच्छी होती है। सो ये एब्रेसिव पार्टिकल्स एज अ कटिंग, ये इन एब्रेसिव पार्टिकल्स के जो एजेस होती हैं एज कटिंग एजेस के रूप में वर्क करती हैं, कटिंग एजेस। अब देखो होता क्या है, इस एब्रेसिव पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास रफ सरफेस थी, अभी हमने कट किया था तो देखा था, ये हमारी है रफ सरफेस, जो हमारी ऊपर की सरफेस है वो रफ सरफेस है, एब्रेसिव पार्टिकल्स हमारी है ना, ये मशीन में कनेक्टेड है, ये हमारी टेबल है जहां पे हमारा वर्कपीस क्या है, प्लेस्ड है हमारा वर्कपीस, ये हमारी ग्राइंडिंग व्हील है, ग्राइंडिंग व्हील हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखी हुई है और वो कनेक्टेड है रैम से, रैम के थ्रू कनेक्टेड है, ये इसका स्ट्रक्चर है या बॉडी है कह सकते हैं हम ग्राइंडिंग मशीन की, और इस जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील है इसको हम
रोटेशनल मोशन प्रोवाइड कर रहे हैं, रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे। और हमारी जो टेबल है ये क्या हो रही है, टू एंड फ्रो मोशन कर रही है। टू एंड फ्रो मोशन क्या है, टू एंड फ्रो मोशन क्या है ये, इसको हम समझते हैं। सपोज इन स्टार्ट हमारी ग्राइंडिंग हमारा वर्क पीस यहाँ है, ये हमारा वर्क पीस यहाँ है, ये यहाँ हमारी टेबल इधर है। अब ये टेबल धीरे धीरे मूव स्टार्ट करेगी, मूव इधर मूव करना इस साइड इस डायरेक्शन में, और ये पूरा मूव होके इस पोजीशन में आ जाएगा, ये पूरा यहाँ आ जाएगा। उसके बाद फिर ये वापस मूव करेगा, पूरे लेंथ को ये कवर करेगा। ये हमारी होती है, पहले ये कटिंग के लिए आया फिर वापस गया, इसने पूरी लेंथ को कवर की, ये मोशन हमारा कहलाता है टू एंड फ्रो मोशन। तो इससे क्या हुआ कि ये जो सरफेस है हमारी, सपोज ये यहाँ हमारा व्हील था यहाँ पे, और हमारी ये पूरी वर्क सरफेस या वर्क पीस पूरा यहाँ तक मूव किया फिर ये वापस आया। इस केस में क्या हुआ कि जितना पोर्शन वर्क पीस का ग्राइंडिंग व्हील के कांटेक्ट में आया उसकी फिनिशिंग, उस पोर्शन की फिनिशिंग हो गई। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें पूरे वर्क पीस की फिनिशिंग करनी होती है। तो उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, वर्क टेबल को, यहाँ तो हम टू एंड फ्रो मोशन भी दे रहे थे, फिर धीरे धीरे हम टेबल को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे भी मोशन देते रहेंगे, धीरे धीरे हम इसे आगे बढ़ाते रहेंगे। तो इस तरह से हमारा ये पूरा मशीन वर्क सरफेस क्या होगा, वर्क पीस हमारा क्या होगा, मशीन हो जाएगा या फिनिश हो जाएगा। ये हमारा ग्राइंडिंग। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी एब्रेसिव पार्टिकल्स की। एब्रेसिव पार्टिकल्स की बात करेंगे, मैंने पहले बताया आप लोगों को कि एब्रेसिव पार्टिकल्स आर ब्रिटल इन नेचर एंड द हार्डनेस ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल इज टू गुड। तो आपको पता है कि उनकी हार्डनेस बहुत अच्छी है, स्ट्रेंथ इनकी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ। सपोज हमने इनको क्या किया है, बॉन्ड कर रखा है किसी मटेरियल से, बॉन्डिंग मटेरियल से हम इसको क्या करते हैं, इसमें बॉन्ड कर देते हैं। बॉन्डिंग मटेरियल्स में भी रबर हो सकता है, सिलिकेट हो सकते हैं, सीमेंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उनसे उनकी सहायता से हम इनको बॉन्ड कर देते हैं, वो बैडी करते हैं कि सॉफ्टर हमें चाहिए सॉफ्टर बॉन्डिंग मटेरियल से, हार्डन बॉन्डिंग मटेरियल से, प्रोसेस टू प्रोसेस से बैडी करते रहते हैं। तो हमने इन्हें क्या किया, बॉन्ड किया। अब एब्रेसिव पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये सेल्फ रीशार्पनिंग है। व्हाट इट मीन कि ये सेल्फ रीशार्पनिंग है, इसका मतलब ये है कि सपोज ये हमारा एब्रेसिव पार्टिकल्स है और ये कटिंग में ला रहा है, तो कटिंग के बाद धीरे धीरे क्या होगा, इसकी जो एजेस होंगी कटिंग एजेस धीरे धीरे डल हो जाएंगी, और उसके बाद ये टूट जाएंगी। जब ये टूट जाएंगी, डल हो जाएंगी और फ्रैक्चर हो जाएंगी। जब ये टूट जाएंगी या फ्रैक्चर हो जाएंगी तो ये न्यू कटिंग एजेस डेवलप हो जाएंगी, ये न्यू कटिंग एजेस डेवलप हो जाएंगी। क्योंकि यही एक पर्टिकुलर, अगर हम इस पर्टिकुलर एब्रेसिव पार्टिकल्स की बात करें तो इसमें केवल यही कटिंग एजेस वर्कपीस के कांटेक्ट में आ रही थी, तो ये धीरे धीरे पहले डल गई और ये फ्रैक्चर कर गई, टूट गई एब्रेसिव पार्टिकल से। ठीक, तो जब एब्रेसिव पार्टिकल से टूट गई तो क्या हुआ कि ये नई कटिंग एजेस डेवलप हो गई, नई कटिंग एजेस, इसीलिए हम इसे कह रहे हैं सेल्फ रीशार्पनिंग। ओके, दूसरी चीज ये है कि एब्रेसिव पार्टिकल्स जो होते हैं इनका कोई डिफाइंड ज्योमेट्री नहीं होती है, कोई इनकी डिफाइंड ज्योमेट्री नहीं होती। इट मे बी सर्कुलर, मे बी लाइक दिस, मे बी लाइक दिस, और मे बी लाइक दिस आल्सो। ये किसी शेप में हो सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर डिफाइंड ज्योमेट्री नहीं है।
तो क्या करने के लिए हम ग्राइंडिंग प्रोसेस का यूज कर रहे हैं, ग्राइंडिंग प्रोसेस का हम यूज कर रहे हैं सरफेस फिनिशिंग के लिए। इसमें एज ए टूल हमारा वर्क कर रहा है ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील पे विद द हेल्प ऑफ बॉन्डिंग मटेरियल्स एब्रेसिव पार्टिकल्स कनेक्टेड हैं, एब्रेसिव पार्टिकल्स लगे हुए हैं और उनकी हेल्प से वही एब्रेसिव पार्टिकल्स की जो एजेस हैं शार्प एजेस वो एज ए कटिंग एजेस वर्क कर रही हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं मटेरियल रिमूव कर रहे हैं। ठीक, ओके, थोड़ा सा और देखेंगे। इसका कोई शेप डिफाइन नहीं है एब्रेसिव पार्टिकल्स का, तो ऐसे हमने रैंडमली कुछ शेप्स बना दिए हैं। अब सपोज करो कि ये पर्टिकुलर पॉइंट कांटेक्ट में आ रहा है, ये यहां से देखिए कि ये पर्टिकुलर पॉइंट कांटेक्ट में आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इन स्टार्ट क्या कर रहा है, शियर कर रहा है, शियरिंग एक्शन कर रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, शियरिंग एक्शन हम कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, फिर क्या हो रहा है, फिर हो रहा है यहां पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। उसके बाद हमारी हो रही है चिप फॉर्मेशन। इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कोई कटिंग एजेस वर्कपीस के कांटेक्ट में आया तो वो क्या करेगा, वहां से मटेरियल को रिमूव करने की कोशिश करेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि मटेरियल, जैसे इसने कोशिश की मटेरियल रिमूव हो जाएगा, मटेरियल की कुछ इलास्टिक लिमिट होगी वहां तक वो इसके डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करेगा, तो वो चीजें किस में आ जाएंगी, इलास्टिक डिफॉर्मेशन में। उसके बाद क्या होगा, अब वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, जो कटिंग फोर्स लग रही है बॉडी पे या वर्क पीस पे वो इसके इलास्टिक लिमिट से ज्यादा है, तो वहां पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाएगा। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाएगा लेकिन मटेरियल यहाँ पे फ्रैक्चर नहीं हो रहा है, डिफॉर्म नहीं, फ्रैक्चर नहीं हो रहा है, ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के रीजन में चल रही है, इसका शेप चेंज होते जा रहा है, उस पर्टिकुलर रीजन की बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद क्या होगा, जब हम और लोड बढ़ाते जा रहे हैं या कटिंग फोर्स को बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का जो है अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है उसको भी क्रॉस कर जाएगा जब कटिंग फोर्स, तो यहाँ पे चिप फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो पूरा फिनोमेना है ये किसमें होता है, इस पूरे फिनोमेना को हम बोलते हैं शियरिंग और कटिंग। ओके, अगर हम यहीं से बात कर लें तो ये चीज हमारी है डेप्थ ऑफ कट, ऑफ कट, ये पर्टिकुलर जो थिकनेस है चिप की, इसे स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं अनकट चिप थिकनेस। जब ये कट जाएगी तो इसे टीसी से हम डिनोट करेंगे, कट चिप थिकनेस बोलेंगे, चिप थिकनेस सीधे बोलेंगे। ओके, तो ये हमारा बेसिकली मैकेनिक्स है ग्राइंडिंग में, पूरा शेयरिंग मैकेनिज्म ज्यादातर यूज होता है, शेयर फेलोर होता है ग्राइंडिंग में। अगर मैकेनिक्स की बात करें ग्राइंडिंग में, तो दो चीजें और होती हैं,
पहला तो हमने देख लिया शेयरिंग और कटिंग, दूसरी हमारे पास है प्लबिंग, और तीसरी हमारे पास है रबिंग। शेयरिंग आपको पता चला अभी हमने इसके पहले डिस्कस की चीजें, प्लबिंग की बात करते हैं। हमने खेत में इस एक फार्मर को किसान को हमने खेत में हल चलाते हुए देखा होगा, तो अभी पुराने जमाने वाले हल की बात करें जो कि बैल से चलते थे, तो उसमें बैल से जब हल चलता है तो उसमें क्या होता है, ये हल का सपोज ये शेप हो गया हल का, और ये हल आगे की तरफ मूव करते जाता है, तो होता क्या है कि ये मिट्टी को बाहर ढकेल दे जाता है, इस साइड से बाहर ढकेल दे जाता है। तो ये जो चीज है इसे हम कहते हैं प्लग, ये अगर हम देखें तो हमारा जो वर्क पीस का सरफेस था वो यहीं तक था, या ये हम कह सकते हैं यहीं तक था, लेकिन विद द हेल्प ऑफ प्लबिंग एक्शन ये वर्क पीस का सरफेस ऊपर चला आ रहा है। जैसा कि खेत में भी होता है कि हम हल चलाते हैं तो जैसे हमने हल को खेत में इंडेंट किया है लगाया और फिर उसको आगे बढ़ाते हैं, तो क्या करता है हल, हल अपने जहां पे उसको हमने लगा रखा है जुताई कर रहे हैं वहां से मिट्टी को दोनों तरफ बाहर फेंकने लगता है, तो ये चीज हम कहते हैं प्लबिंग। ठीक, रबिंग क्या होता है, रबिंग में जैसे हमारे पास क्या है, ये शेयरिंग एक्शन हम कर रहे हैं और हमारे पास जो डेप्थ ऑफ कट है एकदम कम हो गया, इसका मतलब ये है डेप्थ ऑफ कट एकदम कम हो गया, क्या जो हमारे पास एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं वो फ्रैक्चर कर गए हैं, वो टूट गए हैं, उनकी कटिंग एजेस जो हैं बर्न कर गई हैं, खत्म हो गई हैं, उनमें कटिंग एजेस बहुत छोटी छोटी बची हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा डेप्थ ऑफ कट खत्म हो जाएगा और उस टाइम केवल और केवल दो सर्फेस के बीच में रबिंग होगी, ये एक्शन हमारी कहलाती है रबिंग। ये सेल्फ बर्निंग प्रोसेस भी है, इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो हमारा वर्कपीस होता है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, तो वहां पे सरफेस की जो मेटलर्जी है उसके भी चेंज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे ग्राइंडिंग व्हील की स्पेसिफिक, अभी तो हम ग्राइंडिंग व्हील की बात कर रहे थे, ग्राइंडिंग व्हील कैसे बना हुआ है इसने हमने बताया कि ग्राइंडिंग व्हील एक हमारे पास व्हील होता है, व्हील के ऊपर हम कुछ बॉन्डिंग मटेरियल्स की हेल्प से एब्रेसिव पार्टिकल्स को कनेक्ट कर देते हैं। अब चूंकि हम ग्राइंडिंग व्हील को खरीदने जा रहे हैं सपोज मार्केट में, तो अगर हम कहने जाए कि हमें राउंड शेप का ग्राइंडिंग व्हील चाहिए या ट्रायंगल शेप का ग्राइंडिंग व्हील चाहिए या फिर कह रहे कि हमें स्क्वायर शेप का ग्राइंडिंग व्हील चाहिए, तो इस तरह से हमें नहीं मिलता, क्योंकि हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, सपोज हम पेन खरीदने जाते हैं तो वहाँ हम बताते हैं कि हमें रिनाल्स का पेन चाहिए या ये पेन चाहिए, या फिर हम बोल देते हैं हमें 0.04 इंच पॉइंट वाला चाहिए या फिर 0.7 है डॉट पेन चाहिए या फिर जेल पेन चाहिए, इस हिसाब से हम उसकी पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन होती है उस हिसाब से हम बोलते हैं। तो यहाँ भी हमारे पास ग्राइंडिंग व्हील की कुछ स्पेसिफिकेशन होंगी, तो हम उसके ऊपर देखेंगे ग्राइंडिंग व्हील की स्पेसिफिकेशन के बारे में। ग्राइंडिंग स्पेसिफिकेशन की हम बात करें तो कुछ इस तरह से होता है, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, सपोज मैंने लिख दिया A36M7B। अब यहां पे जो A है 36 है, M है 7 है, B पर्टिकुलर चीज एक एक अलग अलग चीजों को डिनोट करें रिप्रेजेंट करें, सपोज अगर ए की बात करें तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है टाइप ऑफ एब्रेसिव, अगर ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब है
एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, अगर लिखा है C इसका मतलब SiC, अगर लिखा है D इसका मतलब डायमंड, ठीक है। अगर दूसरी चीज हम बात करते हैं 36, क्या है ये 36? 36 है ग्रिड साइज। ग्रिड साइज क्या होता है, पहले ये चीज समझ लेनी बहुत जरूरी है, क्या होता है ग्रिड साइज। सपोज हमारे पास घर में आटा चालने के लिए या फिर सरसों साफ करने के लिए चलनी होती है हमारे पास। अब आटा साफ करने वाली चलनी की साइज अलग है, उसमें से जो सरसों साफ करने वाली चलनी है उसके पार्टिकल्स बाहर नहीं आ पाएंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब आटा साफ करने वाली चलनी के जो होल्स हैं वो अलग डिफरेंट है और सरसों साफ करने वाली चलनी के होल्स डिफरेंट है। इसका मतलब ये है, सपोज अगर हमारे पास सपोज करो ये चलनी है, ये पर्टिकुलर हमारे पास सरफेस है, तो अगर हम आटा साफ कर सरसों साफ करने वाली चलनी बना रहे हैं तो हमने क्या क्या इसमें कितने तीन 12 होल्स किए। लेकिन अगर हम इसे आटा साफ करने वाली चलनी बनाना है तो क्या करेंगे, हम इसके नंबर हाफ होल्स को और बढ़ा देंगे। सेम ये चीज हम ग्रिड साइज में भी देख रहे हैं कि अगर हमारे पास ग्रिड साइज ज्यादा है तो हमारे जो ग्रिड साइज में बेसिकली हो क्या रहा है, ये बात आप समझ लो, जो हमारे पास ग्रिड साइज है पर्टिकुलर एक एक स्पेस जो हमारे पास बना हुआ उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर एब्रेसिव पार्टिकल जाके बैठ जा रहा है, ठीक। अब जितना हमारे पास ग्रिड साइज जितना ज्यादा होगा इट मीन्स उतनी ही फाइन पार्टिकल्स हम अपने व्हील पर रखेंगे। इसका मतलब अगर जितना ग्रिड साइज ज्यादा है उतनी ही अच्छी सरफेसनेस हमें मिलेगी, ठीक है। तो सपोज इसको हम देखते हैं, अगर ग्रिड साइज है 10 से 24 तक तो ये इसका मतलब है कोर्स है, अगर है 30 से 60 तक तो इसका मतलब है मीडियम है, अगर यही 70 से 180 के बीच में होती है तो इसका मतलब कि ये फाइन ग्रेन्स यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे, और यही अगर 220 से 600 के आसपास है एक पर्टिकुलर एरिया के लिए तो इसमें क्या बहुत ही फाइन से वेरी फाइन एब्रेसिव पार्टिकल जो है एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे एम की, व्हाट इज एम, एम रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेड, एम रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेड। ग्रेड क्या मतलब है, अगर हमारा इसको हम ए टू जेड में डिफाइन करते हैं, अगर ये ए टू एच में है ए टू एच तो इसका मतलब है सॉफ्ट ग्रेड की हमारे पास व्हील है, अगर ये जे टू पी में है तो इसका मतलब हमारे पास मीडियम ग्रेड की हमारे पास है, मीडियम स्ट्रेंथ की हमारे पास जो है ग्राइंडिंग व्हील है, और अगर यही है Q to Z में तो ये क्या है हमारे पास हार्ड ग्राइंडिंग व्हील है हमारे पास। अब ये अगली चीज जो हमारे पास आती है सेवन, ये डिनोट करता है स्ट्रक्चर को, अगर ये जो है सेवन 0 to 8 है इसकी वैल्यू, इस पर्टिकुलर नंबर की वैल्यू 0 to 7 या 0 to 8 रहती है तो इसका मतलब जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो डेंस स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर, डेंस स्ट्रक्चर, और अगर यही 9 to 16 हो जाता है तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बचेगा वो ओपन स्ट्रक्चर हो जाएगा। नोट कर लीजिए साहब, हमारे पास अभी बचा है बी, तो बी क्या डिनोट कर रहा है मैं आपको बता रहा हूं,
बी डिनोट कर रहा है टाइप्स ऑफ बॉन्ड, किस टाइप की बॉन्ड है जो एब्रेसिव पार्टिकल्स बॉन्ड, जो एब्रेसिव पार्टिकल्स व्हील के ऊपर लगे हुए हैं वो किस बॉन्ड से या किस बॉन्डिंग मेथड से लगे हुए हैं। तो ये कुछ सपोज यहाँ पे वी लिखा हुआ है, तो वी का मतलब है वर्टिफाइड, यहाँ कैपिटल बी भी हो सकता है, इसका मतलब होगा राइन बॉन्ड हो सकता है, यहाँ पे एस लिखा तो सिलिकेट बॉन्ड होगा, अगर यहाँ लिखा होगा आर तो इसका मतलब रबर बॉन्ड, और अगर यहाँ लिखा हो ई तो इसका मतलब है इपॉक्सी बॉन्ड। ठीक है, अब इन बॉन्ड्स बॉन्ड्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा अगर देखना है तो मैं बता देता हूँ आपको। जो वी बॉन्ड अगर वी से डिनोट है तो वर्टिफाइड बॉन्ड होता है, वर्टिफाइड बॉन्ड में क्या होता है कि इसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें फ्लेडस्पर और क्ले जो होते हैं सेलेक्टेड क्ले, फ्लेडस्पर और सेलेक्टेड क्ले को क्या करते हैं हम एक साथ कंबाइन करके लगभग 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, 1300 डिग्री टेम्परेचर में हीट करते हैं, तो ये जाते हैं हमारे पास जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं वर्टिफाइड बॉन्ड। अब रेजोनाइट बॉन्ड की हम बात करेंगे, रेजोनाइट बॉन्ड में हम क्या करते हैं सिंथेटिक रेजिन होते हैं और एब्रेसिव पार्टिकल्स और प्लास्टिसाइजर, सिंथेटिक रेजिन एब्रेसिव पार्टिकल्स और प्लास्टिसाइजर, इन तीनों को हम इकट्ठा एक जगह कॉम्पैक्ट करते हैं, फिर उसके बाद में हम इसे 200 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक हीट करते हैं, तो हमारे पास जो मिलता है उसे रेजोनाइट बॉन्ड कहते हैं। इनका जो कट ऑफ व्हील होता है वो बहुत एक्सलेंट होता है। उसके बाद रबर बॉन्ड की बात करें तो इसमें सिंथेटिक रबर यूज करते हैं और रबर बॉन्ड की जो होती है इलास्टिक कैपेसिटी बहुत ही अच्छी होती है। अगर इपॉक्सी बॉन्ड की बात करें तो इपॉक्सी बॉन्ड में मिक्सचर ऑफ एब्रेसिव रहते हैं और कुछ इपॉक्सी पार्टिकल्स रहते हैं, इनकी जो इलास्टिक कैपेसिटी होती है वो रबर बॉन्ड से तो कम होती है लेकिन रेजोनाइट बॉन्ड से थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, हमने ग्राइंडिंग व्हील की स्पेसिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया, हमने ग्राइंडिंग व्हील में किस टाइप के बॉन्ड्स यूज होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम थोड़ा सा जानेंगे ग्राइंडिंग व्हील के लाइफ के बारे में कि ग्राइंडिंग व्हील की लाइफ क्या होती है। देखो आपको पता है कोई भी टूल होते हैं, सपोज हमने पहले हमने पढ़ा था सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, जब हमने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल पढ़ा था तो वहां पे हम टूल लाइफ के बारे में लिखते हैं b की टू द पावर n इक्वल्स टू c, ये हमने पढ़ा था, वहां भी था कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ साइकल्स तक ये पर्टिकुलर टूल वर्क करेगा, उसके बाद ये फेल ओवर कर जाएगा या फेल कर जाएगा। तो यहां भी सेम चीज है कि जो हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं या हमारी ग्राइंडिंग व्हील है वो कब तक रेजिस्ट करेगी या कब तक स्मूथली वर्क करेगी या हम कब ये कहेंगे कि इसमें फेल्योर आ गया है या फेल हो चुकी है, तो डिपेंड करता है। मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ,
वॉल्यूम ऑफ वर्क मटेरियल रिमूव्ड एंड लास्ट, ये एक्सिस डिनोट करेगी आपको वॉल्यूम ऑफ बिहेवियर की, स्टार्ट जब हम करते हैं तो जब हमने ये पूरी साइकिल को स्टार्ट किया, यहां से हम ग्राफ से समझेंगे कि स्टार्टिंग में जैसे धीरे धीरे वॉल्यूम ऑफ वर्क मटेरियल रिमूव, जैसे जैसे हम मटेरियल को रिमूव करते हैं वर्क सरफेस से, तो स्टार्टिंग में कुछ इनिशियल गियर्स आते हैं, जैसे हमारी एजेस हमारी सपोज ये हमारी बेसिक एजेस हैं, अब ये बियर कर गया, इतना बियर कर गया, तो ये एजेस बियर कर गई, अब ये नई एजेस डेवलप हो गई। अब ये चीजें रहती हैं, लेकिन क्या होगा उसके बाद, फिर ये स्मूथली वर्क कर रही, स्टार्टिंग में क्या हुआ ये एजेस बियर कर रही और नई एजेस डेवलप, फिर ये स्मूथली वर्क कर रहा है यहां तक, लेकिन लास्ट में जाके क्या होगा ये सीधे ब्रेक कर जाएगा, जैसे धीरे धीरे, तो इसने इनिशियल में क्या हुआ, इनिशियल स्टेट में छोटी छोटी जो स्मॉल एजेस थी वो रिमूव हुई या फिर बियर हुई, नई एजेस डेवलप हो गई, लेकिन ये फिर इसकी लाइफ पर चली गई अपनी, इसकी जितनी लाइफ है वहां तक इसने वर्क किया, फिर क्या होगा कि ये फ्रैक्चर कर जाएगा, बियर कर जाएगा, फ्रैक्चर कर जाएगा, और वहां पे जब इसकी जो एजेस होंगी वो एकदम से खत्म हो जाएंगी, फिर ये काम करने लायक नहीं रह जाएगा, तब ये वहां पे फाइनल ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो मेन जो फाइनल ब्रेकडाउन और इनिशियल बियर के बीच की जो डिविजन है वो मेन होती है व्हील की लाइफ, ठीक है, अरे बात समझ, जो फाइनल ब्रेकडाउन और इनिशियल बियर के जो बीच की ड्यूरेशन है वो होती है लाइफ ऑफ व्हील, और ये चीजें डिपेंड करती हैं कि व्हील तुम्हारा कब जो है बियर करेगा, ये डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ वर्क मटेरियल, कितना वर्क मटेरियल इसने रिमूव कर दिया है, जैसे पीछे हम वहां पे देखते थे नंबर ऑफ साइकिल्स रन, उसी हिसाब से यहाँ पे हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ वर्क मटेरियल रिमूव है। रियर के इसके कौन कौन से मेथड्स हैं इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। रियर के इसके कौन कौन से मेथड्स हैं, पहला इसका मेथड है अट्रिशन रियर, पहला इसका मेथड है एट्रिशन बियर, और दूसरा इसका मेथड है फ्रैक्चर बियर, एट्रिशन बियर में क्या होता है और फ्रैक्चर बियर में क्या होता है। एट्रिशन बियर ये है कि इसकी जो सात फेजेस होती हैं वो धीरे धीरे क्या होंगी बियर होंगी, और धीरे धीरे वो क्या होंगी डल होती चली जाएंगी, मतलब जैसे ये हमारा कटिंग टूल रहा तो ये पहले डल होगी, फिर ये एज डल होगी, फिर ये एज डल हो जाएगी, फिर ये एज डल होगी, फिर धीरे धीरे मतलब डल होते होते एडिशन गियर में ये खत्म हो जाएगा। लेकिन फ्रैक्चर गियर में क्या होगा, ये पूरी एज, ये पूरी तुम्हारा एब्रेसिव से, जैसे हमारे एब्रेसिव से ये पूरा फ्रैक्चर कर जाएगा, फ्रैक्चर कर जाएगा तो ये पूरा टूट जाएगा, इसकी सारी एजेस खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये तो हमारा क्या है बॉन्डिंग जो व्हील है उसकी सरफेस है, और यहां से जितनी हमारी एजेस निकली थी ये फ्रैक्चर हुई और ये खत्म हो गई। अट्रिशन गियर में क्या हो रहा था, धीरे धीरे कभी पहले ये एज रिमूव हुई, फिर ये एज रिमूव हुई, फिर ये एज रिमूव हुई, ये धीरे धीरे जाके खत्म हुई। लेकिन फ्रैक्चर गियर में क्या हुआ, पूरी ये फ्रैक्चर कर गई और पूरी एजेस एक साथ खत्म हो गई। तो ये जो दो टाइप के बियर फेल्योर होते हैं हमारे पास, दो टाइप की बियर होती है ग्राइंडिंग व्हील में, वो ये है, पहला एट्रिशन बियर और दूसरा हमारे पास फ्रैक्चर बियर। थैंक यू, आगे हम इसके डिस्कस करेंगे बाद में अगली क्लास में।